मैट्रिक्स चैप्टर 4 मार्क्स का चैप्टर है नए मार्किंग स्कीम के मुताबिक। मैट्रिक्स चैप्टर में 4 मेथड हैं। फर्स्ट हमको मालूम करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड, तो एक एडजॉइंट मेथड रहेगा। फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, तो ये दो इनवर्स मालूम करने के मेथड हैं, एक एडजॉइंट है और एक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है। फिर नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, एक रिडक्शन मेथड है और एक इन्वर्जन मेथड है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो अभी जैसे मैट्रिक्स हमको पता है कि उसमें रोज और कॉलम्स रहते हैं, मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से उसको ऑर्डर में चेंज किया जाता है और ऑर्डर में लिखा जाता है। जैसे 2x2 मैट्रिक्स हम कहें तो 2 रो 2 कॉलम, 3x3 मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं ये रोज रहेंगी, और जो वर्टिकल लाइंस रहेंगी वर्टिकल में वो कॉलम रहेंगी। तो पहले हम लोग देखेंगे फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम पहले कंसिडर कर लेते हैं ए, इसमें हमको पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, 2 × −1 = −2, −5 × −3 = −15, −−+15 दैट इज 13 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर वी कैन से दैट ए इनवर्स एग्जिस्ट। अगर इक्वल टू 0 आएगा दैट मीन्स ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हमको मालूम करना है M11, M12, M21, M22। जैसा कि 11 में हमने पढ़ा है कि ये माइनर्स हैं, तो माइनर्स मालूम करने का मेथड ये है। M11 हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ 1 और 1 ये इंडिकेट कर रहा है, पहला जो 1 है वो रो को, नंबर ऑफ रो, और सेकेंड वाला जो है वो कॉलम को। तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो हमें यहाँ क्वेश्चन में ए मैट्रिक में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटा देना है। हमारे पास एलिमेंट बचेगा 2, इसको 2 लिखेंगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम हटा देना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम हटा देना है, तो हमारे पास नंबर बचेगा −3। फिर थर्ड माइनर है M21, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है, ये दोनों अगर हम ओमिट कर दें तो बचने वाला नंबर होगा 5 लिखेंगे। यहाँ 2 है मतलब सेकेंड रो भी है और सेकेंड कॉलम भी है, तो बचने वाला नंबर होगा −1। अब हमको को फैक्टर्स मालूम करने हैं, तो इसी के सामने हम को फैक्टर्स मालूम कर लेंगे A11, A12, A21, A22। तो को फैक्टर्स मालूम करने का फॉर्मूला ये है, Aij − 1 / 2i + j mij। i और j इंडेक्स वेरिएबल है, मतलब i और j की वैल्यू कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 1। तो यहाँ पर अभी हमको अगर A11 मालूम करना है, मतलब i 1 है और j भी 1 है, तो यहाँ रखते हैं i और j की प्लेस पर 1, 1, तो यहाँ पे 1 + 1 m11, तो −1 की पावर हो गई 1 + 1 = 2, m11 की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं दैट इज 2, −1² होता है 1 × 2, तो आंसर आ जाएगा 2। तो A11 का आंसर आ गया है 2। इसी तरह हम A12 भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा −1 / 1 + 2 i + j, तो i1 है j2 है m12, यहाँ −1 की पावर 3 हो गई, m12 की वैल्यू आई है −3, तो −1³ होता है −1 × −3, ये हो जाएगा 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। अगर हम ये कैलकुलेशन ना भी करें तो एक ये ट्रिक है हमारे पास कि हम देख सकते हैं कि देखिए यहाँ −1 की पावर पर डिपेंड करता है आंसर क्या आएगा। तो यहाँ अगर 1 + 1 = 2 हो रहा है, इवन पावर आ रही है, तो इवन पावर रहेगी तो आंसर सेम रहेगा, और 1 + 2 यानी 3 हो रहा है, 3 यानी ऑड है, ताक है, ताक को ताक पावर आ जाएगी तो वो हो जाएगा, साइन चेंज हो जा रही है, जैसे ये −3 का 3 हो गया।
तो अगर यही रूटीन हम इधर आगे भी अप्लाई करें 2-1 पर, एम 2-1 अगर है तो 2 और 1 3 होता है, यानी ऑड है, ताक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए 2-1 का 5 है तो प्लस 5 है तो आंसर आ जाएगा -5। यानी अगर ऑड पावर रही तो साइन चेंज करना है, और इवन रहे ऐड करने पर इवन आए तो उसको वैसे ही लिखना है। अब यहाँ पे 2-2 है तो 2+2 4 होता है, यानी इवन है, जुफ्त है, तो ये जो -1 है वो ए 2-2 में -1 ही रहेगा। और ये ऐसे भी करके कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो अब हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगी, कोफैक्टर मैट्रिक्स। कोफैक्टर मैट्रिक्स पहले लिखना है, कोफैक्टर ऑफ ए लिख सकते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ ए रहेगा, ये जो पहली दो एंट्री हैं ये पहली रो बनाएंगे, और जो दूसरी दो एंट्रीज हैं ये दूसरी रो बनाएंगे। अब कोफैक्टर मैट्रिक के बाद हम एडजॉइंट ए लिख सकते हैं। एडजॉइंट ए जो रहता है वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज रहता है। 11 में हम पढ़े हैं ट्रांसपोज हमको कैसे फाइंड करना है, तो जो ट्रांसपोज बनाते वक्त जो पहली रो है वो बन जाएगा कॉलम, जो दूसरी रो है वो बन जाएगा दूसरा कॉलम। अब हमारे पास ए इनवर्स का फॉर्मूला है, ए इनवर्स इज 1/ डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 13, एडजॉइंट ए की वैल्यू ये आई है, तो ये लिख देंगे 2-3 -5 -1। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया ए इनवर्स बाय यूजिंग एडजॉइंट मेथड, और ये है 2x2 मैट्रिक के लिए, दो रो और दो कॉलम के लिए। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा करके एमसीक्यूज में आता है, तो अगर एमसीक्यूज में हम ये पूरा थ्योरी लिखने जाएंगे तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, टाइम बहुत जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें एक ट्रिक है 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने के लिए। वो ये ट्रिक है कि अगर देखें यहाँ हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसका एडजॉइंट बनाने के लिए, ये जो दोनों एंट्रीज हैं ये स्वैप कर देना है एज इट इज, जैसे -1 इधर आ जाएगा और 2 उधर चला जाएगा, ये दोनों स्वैप हो गई। और ये जो एंट्रीज हैं इसमें साइन चेंज कर देना है, 5 का हो जाएगा -5, -3 का 3, उसमें उसको वो प्लेस पर ही रखना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो देखिए सॉल्यूशन से भी हमारा एडजॉइंट सेम आया और बाय ट्रिक से भी। तो ये ट्रिक हम यूज़ कर सकते हैं, इवन सीटी में भी यूज़ कर सकते हैं और एमसीक्यू मालूम करने में भी। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे एडजॉइंट, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड ऑफ 3x3 मैट्रिक्स। 3x3 मैट्रिक्स, तो ये पहले यहाँ पर क्वेश्चन एक्सरसाइज का है जिसमें मैंने पहले ही इसको लेट ए लिखा हुआ है। इसका हमको मालूम करना रहेगा M11, M12, M13। ये मालूम करने के लिए देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, तो ये फर्स्ट रो और ये फर्स्ट कॉलम अगर हटा दें तो बचता है 3, 0, 5, -1। इसको डिटर्मिनेंट में लिख के सॉल्व करना है, तो ये जाएगा 3 × -1 -3 -500, आंसर आ जाएगा -3। M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये फर्स्ट रो ये है, सेकंड कॉलम ये है, तो क्या बच रहा है -2 -2 5 -1। और इसको सॉल्व करें तो -2 × -1 = 2, -5 × -2 हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा 2+10 = 12। M13 हम मालूम कर सकते हैं फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो है और ये थर्ड कॉलम है, तो ये बचेगा -2 -2 3 0, ये 0, -3 × -2 = -6, आंसर इज 6। यही सामने इसका भी A11 A12 A13 फाइंड कर सकते हैं। अब M21 सेकेंड रो के लिए तीनों कॉलम M21 M22 M23 M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकेंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो देखिए अगर ये हटा दें हम तो -1 2 0 -1 बचेगा, -2 सॉरी -1 2 0 -1 बच रहा है,
तो ये 1 इंटू 1 इज 1 माइनस 200 आंसर इज 1 22 एम 22 यानी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो बचेगा 1 माइनस 2 2 माइनस 1 तो 1 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 2 इज माइनस 4 हो जाएगा प्लस 4 आंसर इज 3 एम 23 है सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो बचने वाली जो डिटर्मिनेंट है वो ये है आंसर इज 0 माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 वन जार 2 तो आंसर आ जाएगा माइनस 2 एम 31 एम 32 एम 33 तो M31 के लिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो ये है फर्स्ट कॉलम ये है माइनस 1 2 3 5 बच रहा है माइनस 1 2 3 5 तो ये हो जाएगा माइनस 5 माइनस 3 2 जा 6 आंसर विल बी माइनस 11 और यहाँ साइड में A31 भी फाइंड करना है हमको 32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये हो जाएगा 1 माइनस 2 एंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम 25 तो ये 5 माइनस 2 टू जा 4 माइनस 4 तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 दैट इज 9 यहाँ 32 फाइंड करना है हमको थर्ड रो थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 माइनस 2 माइनस 1 3 तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 1 इज 2 आंसर इज 1 A33 अब जैसा कि मैंने बताया कि अगर हम लोग ये ऐड करते हैं 1 प्लस 1 अगर इवन आता है तो वही नंबर रखेंगे और अगर ऑड आता है ऐड करने पर तो हम साइन चेंज कर देंगे तो यहाँ देखिए 1 प्लस 1 2 होता है यानी यहाँ माइनस 3 ही आएगा इसका आंसर 1 प्लस 2 3 हो रहा है ताक है ऑड है तो जो 12 है ये हो जाएगा माइनस 12 साइन चेंज हो जाएगी 1 प्लस 3 कितना है 4 है 4 यानी जुफ्त इवन तो जो 6 है वो 6 रहेगा 2 प्लस 1 3 है तो 1 है जो वो माइनस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 4 है इवन है जुफ्त है तो 3 जो है वो 3 ही रहेगा 2 प्लस 3 5 हो जाएगा 5 यानी ऑड ताक तो माइनस 2 का साइन चेंज हो जाएगी प्लस 2 में 3 1 यानी 4 तो माइनस 11 है तो माइनस 11 रहेगा 3 2 यानी 5 हो जाएगा ताक है ऑड है यानी अगर 9 है तो माइनस 9 हो जाएगा साइन चेंज होके और 3 3 33 है अगर 3 3 है तो यहाँ पे 3 प्लस 3 6 होता है 6 यानी वही रखना है 1 1 ही रहेगा तो इस तरह भी कर सकते हैं या पहला नंबर देखिए सेम है दूसरे की साइन चेंज थर्ड सेम फोर्थ साइन चेंज फिर सेम है फिर साइन चेंज है साइमल्टेनियसली ऐसे लिख सकते हैं उसके बाद जैसे डिटर्मिनेंट मालूम करने का प्रीवियस मेथड तो हमको पता है यहाँ पर एक मेथड और आ गया है पहले हम इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ ए कोफैक्टर ऑफ ए जो है वो आ जाएगा देखिए पहली तीन एंट्री जो है ये ए वाली एम वाली नहीं जो कोफैक्टर एलिमेंट्स है जो ए हैं वो पहली रो बनाएंगे सेकेंड थर्ड जो एंट्रीज हैं वो सेकेंड रो बनाएंगे और उसके बाद वाली तीनों एंट्री जो है वो थर्ड रो बनाएंगे इसी तरह हम एडजॉइंट लिख सकते हैं एडजॉइंट जो है वो ट्रांसपोज है तो जो पहली रो है वो पहला कॉलम दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम और तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम अब यहाँ हमने बताया कि डिटर्मिनेंट का हम यहाँ पे मालूम करेंगे और लिखेंगे इनवर्स एग्जिस्ट या ये भी कर सकते हैं कि जहाँ पे ये देखिए अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें जो पहली रो है वो और यहाँ की पहली पहला कॉलम इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ 1 है 1 मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 यहाँ माइनस 1 है माइनस 12 है तो 12 वन जा 12 प्लस 2 इंटू यहाँ माइनस 6 है तो ये हो जाएगा माइनस 12 तो माइनस 3 12 माइनस 12 होता है 0 तो आंसर आ जाएगा माइनस 3 दैट इज नॉट इक्वल टू 0 इनवर्स एग्जिस्ट तो ए इनवर्स का फॉर्मूला जैसे कि लास्ट में हमने देखा है
वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए है, तो यहाँ डिटर्मिनेंट ए की जगह रखेंगे माइनस थ्री और एडजॉइंट की जो वैल्यू आई है वो। तो यहाँ पर हमने 2x2 का ट्रिक भी देखा और बाय थेरेटिकल भी देखा। इसी तरह 3x3 में मैंने एक नया मेथड बताया डिटर्मिनेंट फाइंड करने का, और एक प्रीवियस मेथड जो हम लोग 11 में पढ़ा है वो तो है। तो ऐसे इसी भी तरीके से हम 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मेथड से इन्वर्स मालूम कर सकते हैं, यही तरीका अपनाकर कोफैक्टर मैट्रिक्स, कोफैक्टर एलिमेंट्स और माइनर